गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज्योत्सना। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ एक रेमेडी। काफ़ी अच्छी और इफेक्टिव रेमेडी है, काफ़ी सिंपल सी रेमेडी है। ये रेमेडी आपको हेल्प करेगी आपके ओपन पोर्स को क्लोज करने में। सो रेमेडी को जानने से पहले, हमें कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्किन पर जो प्रॉब्लम हो रही है वो किस वजह से हो रही है, क्या रीज़न हो सकता है कि हमारे स्किन पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये ओपन पोर्स हमको किसकी वजह से होते हैं। हमारी स्किन पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनकी वजह से छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम होल बोलते हैं, जिनकी वजह से हमारी स्किन सांस ले पाती है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लाइक अगर जिनको ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है या फिर जिनको सेटिंग बहुत आती है उनके फेस पे, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो जो छोटे होल होते हैं वो बड़े बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज बन जाते हैं, जिनको हम ओपन पोर्स बोलते हैं। स्पेशली ओपन पोर्स होते हैं उन लोगों को है जिनकी ऑयली स्किन होती है, जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है, जिनके फेस पे इचिंग प्रॉब्लम होती है। क्या होता है, जो भी जब हमें ऑयल प्रोड्यूस होता है हमारी स्किन से, तो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं उनमें घुस जाते हैं और उनको और बड़ा बना देते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें पिम्पल्स भी क्रिएट हो जाते हैं हमारी स्किन पर, और वो पिम्पल या तो दाग छोड़ देते हैं या फिर हमारी स्किन में हॉल कर देते हैं। तो काफ़ी प्रॉब्लम है ओपन पोर्स की रेमेडी। सो हमारी रेमेडी में हम यूज़ करेंगे हनी का। यहाँ पर मैं हनी यूज़ कर रही हूँ। ये शुद्ध हनी है, एकदम प्योर शुद्ध हनी है। मेरे पास जो ओरिजिनल हनी होता है वो वाला हनी। अगर आपके पास नहीं है तो आप पतंजलि का हनी भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो ये प्योर, एकदम प्योर हनी है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसकी हेल्प से किस तरह से अपने ओपन पोर्स को बंद कर सकते। हनी एक बेस्ट नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, एज वेल एज क्लिंजर। क्लिंजर भी है एक तरह का, और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग भी बनाएगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं हनी को यूज़ करने के। आपने देखा होगा ज़्यादातर रेमेडीज़ में हनी यूज़ किया जाता है। आपको फिंगर में लेना है और इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है अपने फेस की, इस तरह से दो से तीन मिनट के लिए मसाज करनी है आपको। और इस को मसाज करने के बाद तो उसे 3 मिनट के लिए, उसके बाद आपको 15 मिनट के लिए इसको वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद वॉर्म वाटर से इसको क्लीन कर लेना है। सो यहाँ पे मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। आपको ये प्रोसीजर वीक में 2 से 3 बार करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप डेली भी इसको कर सकते हैं। हनी इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन टू क्लोज योर ओपन पोर्स। आपके जो ओपन पोर्स को क्लोज करने में बहुत बेस्ट है हनी, और बनाना भी इतना ही हेल्पफुल होता है जितना हनी। सो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ और आपको उससे हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।